Welcome students. Welcome to the e-learning session of economics. We had started with the third chapter of your syllabus in macroeconomics, that is national income and related aggregates. Okay. So this is the next session that we are starting today. The topics that we'll cover in this session are domestic and national concept of income. ठीक है. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, नेशनल इनकम क्या होती है, ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया है. नॉर्मल रेजिडेंस क्या होते हैं, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम में जाएंगे. ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है हम लोगों ने पढ़ा था. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इंटू नेशनल इनकम. थर्ड इज ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड लास्टली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम. ठीक है, तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जाना था. अब हम लोग देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है. सो डोमेस्टिक इनकम, बिफोर आई मूव इन टू दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू कि आप लोग ये वीडियो देखने के पहले इसके पहले वाला वीडियो याद से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको एक्सप्लेन किया मैंने कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंस क्या होते हैं. ठीक है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. नाउ डोमेस्टिक इनकम मीन्स इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट. टेरिटोरियल मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड ये बात करता है. ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद द टेरिटरी, इट इज नॉट कंसर्न्ड विद एनीथिंग एल्स. ठीक है, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. It considers all the producers within the country and it does not include net factor income from abroad. मतलब क्या है कि क्या है दुनिया में within the domestic territory है ना, कोई भी person produce करे, चाहे वो normal residents हो है ना, domestic persons हो या फिर non residents हो, production कौन कर रहा है इसका मतलब नहीं है इनको. The domestic concept of income is concerned with the territory. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो डोमेस्टिक इनकम मानी जाती है. ठीक है, अब ये फाइनल गुड्स और सर्विस कौन प्रोड्यूस किया है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इससे मतलब नहीं है, चाहे नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री किए हो या नॉन रेसिडेंस, मतलब दूसरी कंट्री के कोई रेसिडेंस ने प्रोडक्शन किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, फर्क किस बात से पड़ता है कि टेरिटरी कौन सी. अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में प्रोडक्शन हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, देन इट इज सेट टू बी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, सो इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. हुएवर इज प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज टेकन इन टू द डोमेस्टिक इनकम. ओके, एंड इट कंसिडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री, ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री. इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के लोग प्रोडक्शन करें या बाहर के कंट्री के लोग आके प्रोडक्शन करें, वो इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट माना, डोमेस्टिक इनकम माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है. अगर इंडिया के बाहर प्रोडक्शन होगा तो डोमेस्टिक इनकम नहीं होगा वो. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या चीज पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं देना कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ध्यान इस पे देना है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है. अगर इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम है. अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है ये प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा. ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या होता है, आप अपने इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो बाहर के देशों से क्या अर्न करके ला रहे हैं, व्हाट दे आर अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड. ओके, माइनस व्हाट इंडिया इज पेइंग टू द फॉरेन रेसिडेंट. इंडिया में जो फॉरेनर्स आके रह रहे हैं, नॉन रेसिडेंट जो है, वो क्या यहाँ पे इंडिया से पा रहे है ना, व्हाट इज इंडिया पेइंग टू देम एंड व्हाट इज इंडिया गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज. जो इंडिया अर्न कर रही है बाहर देशों में, उसमें से जो इंडिया बाहर के देशों के लोगों को दे रही है उसको माइनस करेंगे, सो यू विल गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर सिर्फ बोले तो इसका मतलब होता है कि आप बाहर कंट्रीज में क्या अर्न करो, व्हाट फैक्टर इनकम आर यू अर्निंग, अ नॉर्मल रेसिडेंट इज अर्निंग इन द एंटायर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या होता है, हाउ मच फैक्टर इनकम यू आर अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड माइनस हाउ मच फैक्टर इनकम यू आर
outsiders, okay, in the outside world. So this is not included in domestic income. Kyun nahi included hai? Kyunki inko bahar ke deshon se matlab hi nahi hai. They are only concerned with what is being produced within the country. So territorial concept mein net factor income from abroad ka koi lene deni nahi hai. It is not included here. Now we come to the national income. नेशनल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे टेरिटरी से मतलब नहीं है, यहाँ पे नेशनैलिटी से मतलब है, है ना? नेशनैलिटी मतलब नॉट विद अबाउट इंडियन टेरिटरी, इट इज कंसर्न विद इंडियन रेसिडेंस, दैट मीन्स अ नॉर्मल रेसिडेंस. तो यहाँ पे, और यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्शन करे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है उसको डोमेस्टिक इनकम मान लेंगे. यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया जो है वो चाहे दुनिया में कहीं भी प्रोडक्शन करें, है ना, जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं वो दुनिया में कहीं भी प्रोडक्शन करें उसको हम लोग नेशनल इनकम मानेंगे. ठीक है, तो ये इसको टेरिटरी से मतलब नहीं है. ये बोल रहे हैं कि इंडिया के लोग, इंडिया का जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है वो अगर अमेरिका में जाके प्रोडक्शन करे, ब्रिटेन में जाके करे, फ्रांस में जाके करे, कहीं भी करे, सब जगह का प्रोडक्शन जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंडिया का नेशनल इनकम में काउंट होगा, क्योंकि वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया है. ठीक है, सो लेट्स सी, इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रोडक्शन हो, लेकिन प्रोडक्शन किसको करना चाहिए, प्रोडक्शन नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, है ना. अगर नॉर्मल रेसिडेंट्स ने किया है ऑफ अ कंट्री तो वो उस कंट्री के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट होगा, नेशनल इनकम में काउंट होगा. ठीक है, it considers all producers who are normal residents of the country. सारे normal residents of a country जो है वो पूरे world में, entire world में कहीं भी production करें वो India की national income में count हो जाएगा. It includes net factor income from abroad. यहाँ पे net factor income from abroad include होता है. ठीक है, so make your domestic territory concept very clear and make your normal resident concept very clear. Then you will understand this very easily. Okay. So next we'll move on to the next topic. Okay, students. So we have come to the second topic, that is conversion of domestic income into national income. Okay. So domestic, national, ये दोनों concept हम लोग ने समझ लिया है कि domestic income क्या होती है और national income क्या होती है. अब अगर हमको domestic income दी जाए तो हम national income में उसको कैसे convert करेंगे, और अगर national income मिले तो उसको domestic income में कैसे convert करेंगे. Okay. Let's see. Domestic income. I have told you that domestic income does not include net factor income from abroad. ठीक है, net factor income from abroad क्या होती है? Let's see. Before moving into this area, let's see this. Factor income earned by residents from the rest of the world. ठीक है, India के जो residents हैं वो rest of the world में क्या factor income earn कर रहे हैं? ठीक है, उसमें से factor income earned by non-residents in our country, in our domestic territory. मतलब इंडिया में non-residents जो है, जो बाहर के लोग रह रहे हैं वो क्या factor income earn कर रहे हैं, मतलब इंडिया क्या pay कर रहा है उनको, और इंडिया के जो normal residents हैं, इंडिया के जो residents हैं वो बाहर के देशों में क्या factor income earn कर रहे हैं. ठीक है, इसका difference जो होता है वो net factor income from abroad होता है. ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. पॉजिटिव कब यह होगा, अगर आपका फैक्टर इनकम अर्नड ज्यादा है और फैक्टर इनकम पेड कम है. ओके, पेड मतलब फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ये जो होता है नॉन रेसिडेंट को जो आप दे रहे हो इसको आप पेमेंट भी बोल सकते हो. ठीक है, मतलब फैक्टर इनकम अर्नड बाई नॉन रेसिडेंट इन अवर कंट्री, इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी. बाहर के लोग इंडिया में आके क्या कमा रहे हैं इंडिया से. ठीक है, उसको आप ये भी बोल सकते हो कि वॉट आर यू पेइंग, वॉट इज इंडिया पेइंग टू दीज नॉन रेसिडेंट. ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट्स को आप क्या पे कर रहे हो और बाहर के देशों में आप क्या अर्न कर रहे हो, आपके नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या अर्न कर रहे हैं, इसका जो डिफरेंस है इसी को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं. अच्छा, इसमें क्या है, ये पॉजिटिव कब होगा, व्हेन योर अर्निंग इज मोर देन योर पेमेंट. जब इंडिया बाहर के देशों में कमाएगा ज्यादा और जो बाहर के देशों के लोग इंडिया में है उनको देगा कब, तब तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर आपका ये जो पोर्शन है, दैट मीन्स what you are paying to the non-resident is more than what you are earning from other country, तो आपका ये negative हो जाएगा. ठीक है, very simple. अच्छा, net factor income from abroad में होता क्या क्या चीज है, what are the components, what are
the things included. सबसे पहले होता है, it includes net compensation to employees. Net compensation to employees मतलब इंडिया के लोग जो इंडिया के residents हैं, okay, who are permanently staying in India, but for a period of less than 1 year, एक साल से कम के लिए अगर वो बाहर जाके as an employee काम करते, ठीक है, एक साल से ज्यादा नहीं, एक साल से कम है, मतलब क्या है कि वो वहां के रेसिडेंट नहीं बने, वो इंडिया के रेसिडेंट है, तो उनको बाहर एज एम्प्लॉई क्या सैलरी वगैरह मिल रही है, क्या पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो उनको जो मिल रहा है माइनस व्हाट इंडिया इज पेइंग टू सिमिलर पीपल इन इंडिया, मतलब क्या है, अगर बाहर के लोग इंडिया में आके एक साल से कम के लिए एज एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं तो इंडिया उनको क्या पेमेंट दे रहा है, एज एम्प्लॉई सैलरी वगैरह क्या दे रहा है, ठीक है, तो इंडिया जो दे रहा है बाहर के देशों के लोगों को और इंडिया के लोग जो बाहर जाके अर्न कर रहे हैं, इसका जो डिफरेंस है उसको नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज बोलते हैं, ठीक है, इंडिया के लोग एज एम्प्लॉइज बाहर जाके कितना पैसा कमा रहे हैं लेकिन एक साल से कम रह रहे हैं वो बाहर जाके, ठीक है, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, व्हाट आउटसाइड पीपल, ओके, जो बाहर के लोग इंडिया में आके कमा रहे हैं एज एम्प्लॉइज हु आर लिविंग इन इंडिया फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है, इसको बोलते हैं नेट कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज. दूसरी चीज जो इंक्लूडेड होती है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अब्रॉड, मतलब क्या है, इंडिया के लोग बाहर में अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ओके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, फॉरेन लैंड में अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी है उनकी या बिजनेस है, उससे कोई इनकम हो रही है उनको, ठीक है, उसी तरह से इंडिया में बाहर के लोग अगर कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस होल्ड कर रहे हैं, so what India is earning from property and entrepreneurship outside minus what India is paying to such outsiders, okay, as property and entrepreneurship payment. Next is net retained earning. Retained earning मतलब क्या होता है, ये जब आप company form of business पढ़ोगे accounts में तो आपको समझ जाएगा retained earning क्या होती है. Retained earning मतलब ये होता है general sense में कि company की जो profit होती है, ठीक है, उस प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दिया जाता है, जैसे इंडिविजुअल्स लोग इनकम टैक्स देते हैं वैसे ही कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स देती है, कंपनी की इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, तो जब कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी दे देती है उसके बाद जो पैसा कंपनी के पास बचता है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है ना, प्रॉफिट पेमेंट, प्रॉफिट में से टैक्स पेमेंट के बाद जो प्रॉफिट बचती है उसमें से एक कंपनी क्या करती है, दो काम करती है, एक तो वो डिविडेंड दे देती है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जरूरी नहीं कि करे, जब कंपनी को लगता है कि हाँ कर सकते हैं तो कर देती है, और जो बाकी जो प्रॉफिट बचता है आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड कंपनी क्या करती है, उसको रिटेन करती है, रिटेन करना मतलब अपने पास रखना फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, तो वो रिजर्व की तरह कंपनी के पास रहता है और फर्दर ग्रोथ है ना, बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज होता है, तो उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, ठीक है, अब ये रिटेन्ड अर्निंग कहाँ से आया, यहाँ पे नेट रिटेन्ड अर्निंग मतलब क्या हुआ, जो इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं जो कि बाहर में कोई बिजनेस ओन कर रहे हैं वहां पे उन लोग क्या रिटेन्ड अर्निंग अर्न कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, और उसी तरह से बाहर के लोग इंडिया में क्या रिटेन्ड अर्निंग अर्न कर रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग, नेट मतलब After deducting what you are paying, okay, from what you are getting, ठीक है, ये जब हम लोग sums करेंगे तो ये concept आपको clear होता जाएगा, तो NFIA में ये सारी चीजें included होती हैं, एक तो employees को क्या payment मिल रहा है India से और क्या payment India के लोगों को बाहर मिल रहा है, ठीक है, as employees, दूसरा India के लोग बाहर में properties पे क्या income earn कर रहे हैं और बाहर के लोग इंडिया में प्रॉपर्टी से क्या इनकम अर्न कर रहे हैं, और तीसरी चीज है कि इंडिया के जो बिजनेसमैन है बाहर क्या क्या रिटेन अर्निंग अर्न कर रहे हैं और इंडिया के लोग इंडिया में आके बाहर के लोग क्या रिटेन अर्निंग अर्न कर रहे हैं, इन सारी चीजों का जो डिफरेंस आप निकालते हैं उसको नेट बोलते हैं, ठीक है, सो ये सारी चीजें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूडेड है, ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, अब हम लोग को समझ में आएगा कि व्हाट इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ओके, फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, इंडिया के लोग बाहर जाके फैक्टर इनकम क्या क्या अर्न करते हैं, ये सारी चीजें अर्न करते हैं, ठीक है, और बाहर के लोग इंडिया में आके क्या फैक्टर इनकम अर्न करते हैं वो ये है, तो आपने इसका मतलब हो गया कि इंडिया ने क्या अर्न किया और इसका मतलब हो
इंडिया ने क्या पे किया. तो इसका जो डिफरेंस है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोला जाता है, नेट बोला जाता है. नेट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट यू आर अर्निंग है ना एंड व्हाट यू आर पेइंग, इसका जो डिफरेंस है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है. पॉजिटिव तब होगा जब आपका इनकम ज्यादा होगा, पेमेंट कम होगा, और नेगेटिव कब होगा जब आपकी पेमेंट ज्यादा होगी और इनकम कम होगी. ठीक है, नाउ वी कम बैक टू अवर डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम एंड नेशनल इनकम, इसके कॉन्सेप्ट में आते हैं. मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की जाए, वो चाहे रेसिडेंट अर्न करें नॉन रेसिडेंट अर्न करें उसमें मतलब नहीं है. विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी अगर वो अर्न हो रही है तो वो डोमेस्टिक इनकम है. दैट मीन्स डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो इंक्लूड नहीं होती है. ठीक है, वो इंक्लूडेड नहीं होती है. अगर आप उसको इंक्लूड कर लोगे तो वो नेशनल इनकम बन जाएगी, क्योंकि नेशनल इनकम वो इनकम है जो इंडिया के रेसिडेंट अर्न कर रहे हैं पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर. ठीक है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी वट एवर द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर अर्निंग दैट इज नेशनल इनकम. ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में टेरिटरी की बात है, नेशनल इनकम में नेशनैलिटी की बात है. ठीक है, तो इसके बीच में डिफरेंस सिर्फ इसी चीज का है. अगर आप ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नेशनल इनकम. अगर आप ये हटा दोगे तो वो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी. ठीक है, तो नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और नेशनल इनकम में से अगर आप नेट फैक्टर इनकम हटा दोगे यू विल गेट डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको समझनी होगी कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है सेम कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल का साइन होता है ये. ठीक है, क्यों आइडेंटिकल है, क्योंकि देखिए जब आप नेशनल इनकम को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कैलकुलेशन से निकालते हो, ओके, व्हेन यू आर एडिंग अप द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, प्रोडक्ट, तो वो आपका जो नेशनल इनकम का जो डेफिनेशन होता है वो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट. प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट मतलब आप प्रोडक्शन के हिसाब से इनकम की वैल्यूएशन कर रहे हो. ठीक है, यू आर काउंटिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टुगेदर टू गेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, जब आप वही इनकम को फैक्टर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो तो आपका जो अमाउंट आता है नेशनल इनकम का वो होता है डोमेस्टिक इनकम. तो डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है. सेम क्यों है, क्योंकि जो आपकी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम, है ना. आपके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू जो है वही वैल्यू कन्वर्ट होती है फैक्टर इनकम में. ठीक है, तो आप फैक्टर इनकम के पॉइंट से अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा, और अगर आप प्रोडक्शन के पॉइंट से नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा. बात एक ही रहेगी, दे आर सेम. ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट आर क्लियर. एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन द फॉर्मूलाज एंड ऑल, व्हेन वी विल सॉल्व द सम्स यू विल गेट इट मोर क्लियरली अंडरस्टूड. ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ वी कम टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम, बात एक ही है. अच्छा, बिफोर वी मूव इन टू दैट, लुक एट द राइट साइड ऑफ द बोर्ड. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मीन्स जब आप कैपिटल स्टॉक को बढ़ाते हो, उसमें एडिशन करते हो, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हो. ठीक है, दैट मीन्स इफ यू आर बाइंग न्यू एसेट, आप इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ा रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन का के नाम से जानी जाती है. ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता क्या है, आप कैपिटल एसेट्स, आप कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, आप इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ा रहे हो, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन. तो जब भी आप कैपिटल में एडिशन कर रहे हो दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, और जब आप उसमें से कंजम्पशन जो हुआ है उसको हटा देते हो, ओके, इफ यू आर रिमूविंग द कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ दैट कैपिटल, तो आपका जो आएगा वो नेट अमाउंट आएगा. मतलब क्या होता है, एक बार देखिए आप, इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट मीन्स इट इज द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक. और डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मीन्स
how much you are consuming the capital stock. ठीक है, depreciation is also known as consumption of capital और fixed assets का consumption, wear and tear है ना, use, उसको आप depreciation बोलते हो. तो depreciation means consumption और investment मतलब addition. तो अगर आप investment का जो addition है, investment means addition. तो अगर आप capital formation जो है, ठीक है, total capital formation में से आप addition जो कर रहे हो वो add करो और depreciation को minus मत करो, तो जो value आता है वो gross figure होता है. Gross figure मतलब जिसमें depreciation included है, depreciation minus नहीं हुआ है. ठीक है, gross investment means that capital formation from which you are not removed depreciation. वो जो value आता है investment का, उसको हम लोग बोलते हैं gross. और अगर आप minus कर दो depreciation, तो जो value आएगी आपकी investment की, उसको आप net investment बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है बिफोर वी मूव ऑन टू दैट साइड. ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल फॉर्मेशन. अगर कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन हटाया नहीं गया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हटाया नहीं गया है, तो वो ग्रॉस है. और अगर आप उसमें से हटा देते हो, माइनस कर देते हो, तो जो वैल्यू आता है वो नेट फिगर आता है. ठीक है, नाउ कम टू दिस साइड. व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, या डोमेस्टिक इनकम जो है, वो दो तरीके की होती है, ग्रॉस नेट. ठीक है, ग्रॉस मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, नेट मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन हटा दिया गया है. ठीक है, ग्रॉस हमेशा, जब भी आप कहीं भी जाइए, ग्रॉस वैल्यू जो भी चीज की होती है वो इंक्लूसिव वैल्यू होती है. इंक्लूसिव मतलब जिसमें कुछ चीजें इंक्लूडेड रहती है, माइनस नहीं की होती है. और नेट वैल्यू जो होती है वो माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है वो नेट. आप खुद ही देखिए कि आपको कम से कम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में तो पता ही है, आपने जाना है. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो आप डायरेक्ट सेल रेवेन्यू से कुछ बस डायरेक्ट कॉस्ट को लेस करते हो, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, इजंट इट. लेकिन जब आप उस फिगर में से, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर, उसमें से सारे एक्सपेंसेस को जब लेस कर दोगे, तब जो आएगा वो नेट प्रॉफिट होता है. मतलब अगर एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया गया है, तो जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, और एक्सपेंसेस को माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट. समझ में आई बात? तो ग्रॉस और नेट के में फर्क क्या होता है? ग्रॉस जो फिगर होता है, ग्रॉस जो वैल्यू होती है किसी भी चीज की, जब भी आप ग्रॉस और नेट में देखोगे, तो ग्रॉस में कोई चीज इंक्लूडेड होगी और नेट जो वो वैल्यू होती है जिसमें से कोई चीज हटी हुई रहती है. जैसे यहाँ पे हमने जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट की या डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसकी ग्रॉस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया होता, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, तो जब आप, जैसे आप ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस आ जाएगा. मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन इसमें एडेड है, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है. और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक इनकम वो फिगर है, वो इनकम है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है. मतलब क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से इफ यू डिडक्ट डेप्रिसिएशन यू विल गेट नेट. वेरी सिंपल. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक इनकम. इनकम हम लोग जब बोलते हैं, जब आप फैक्टर इनकम का एडिशन लेते हैं, तो उसको हम लोग इनकम बोलते हैं. और प्रोडक्ट आप कब बोलते हो? जब आप वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हो. मतलब प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो प्रोडक्ट बोलेंगे, और फैक्टर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो इनकम बोलेंगे. दे आर आइडेंटिकल. ठीक है, उसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है. सो नाउ वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक फॉर द डे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन, दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है हमने जान लिया है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है और एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है. ठीक है, अब आप पहले ये समझिए कि जब भी हम, आपने सेक्टर्स और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ा है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जब हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, या नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सेक्टर्स का मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, फॉरेन सेक्टर. ठीक है, तो जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं ना, जब ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सिर्फ दो ही सेक्टर है,
So we are generally talking about the household sector and the producer sector. ठीक है, एक supplier of factor income है और दूसरा factor income की एक supplier of factor services है, दूसरा factor services use करता है और factor income provide करता है. तो ये तो हो गई टू सेक्टर इकोनॉमी. जब दो सेक्टर इकोनॉमी की बात आती है तो वहां पे ये मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट इनकी कोई बात नहीं होती, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है. ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड आउटसाइड, ठीक है, इन द मार्केट. और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ फैक्टर पेमेंट मेड फॉर द फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज जो प्रोड्यूसर्स लेते हैं उसके लिए वो क्या फैक्टर पेमेंट करते हैं, उसको फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है. ठीक है, कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उनके लिए तो कॉस्ट ही है, उनको तो पेमेंट करना है, तो फॉर देम इट इज अ कॉस्ट. नाउ जब टू सेक्टर इकोनॉमी में ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है फैक्टर कॉस्ट का, मार्केट प्राइस का, तो फिर कहाँ आता है? ये तब आता है जब आपका थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो, जहां पे गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड हो. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट का रोल क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट सेक्टर होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस लगाती है लोगों की इनकम पे, प्रोडक्शन पे, है ना. डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इनकम पे टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो गुड्स वगैरह पे जो टैक्सेस होते हैं, जैसे जीएसटी है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, है ना. कॉन्सेप्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने आपको पहले बताया हुआ है. तो जब गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है तो क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स ओनली. अभी हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का कोई मतलब नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स, है ना, हम लोग गुड्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेलिवेंट क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी. तो अगर हम लोग जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जब किसी प्रोडक्ट में जीएसटी भी एड हो जाता है तो क्या होता है? तो ये होता है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो इंक्रीज हो जाती है ऑटोमेटिकली, है ना, इंक्रीज हो जाएगी. जैसे सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है 500 रुपीज का, ठीक है, और उस पर 10% जीएसटी है, तो 10% जीएसटी मतलब क्या है? 50 रुपीज जीएसटी लग जाएगी, तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा? 550. क्योंकि आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, मतलब जीएसटी कौन पे करेगा? कस्टमर्स पे कर रहे हैं अपने पॉकेट से, है ना, प्रोड्यूसर थोड़ी पे कर रहा है. प्रोड्यूसर पे लागू किया गया है, प्रोड्यूसर से मांगा गया है, लेकिन प्रोड्यूसर खुद नहीं देगा, वो क्या करेगा? हमसे लेकर तब गवर्नमेंट को पे करेगा, है ना. तो कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज, उनसे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है और फाइनली पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट प्रोड्यूसर ही कर रहा है, जिससे मांगा गया है देगा वही, लेकिन हमसे लेकर देगा, है ना. तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जब भी आएगा तो वो प्रोडक्ट की प्राइस को, मार्केट प्राइस को बढ़ा देगा. ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट जो है, जैसे टैक्सेस लागू करती है, उसी तरह से गवर्नमेंट बहुत सारे सपोर्ट भी देती है ना. किसको देती है सपोर्ट? जो ऐसे टेरिटरीज हैं, ऐसे एरियाज हैं जो जहाँ पे डेवलपमेंट का स्कोप है ना, जो बहुत अंडर डेवलप्ड है, जो बहुत बैकवर्ड है, वहां पे प्रोडक्शन और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, सपोर्ट देती है ना. तो जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, उससे क्या होता है? प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है. तो आप देखिए कि टैक्स और सब्सिडी दो अलग अलग तरीके का इफेक्ट रखते हैं. टैक्स से प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, सब्सिडी से प्रोडक्ट की प्राइस घट जाती है. कैसे घट जाती है? देखिए, जैसे सपोज करिए यही 500 रुपीज का जो प्रोडक्ट था, इसमें 10% जीएसटी लगी थी, अभी हमने एग्जांपल लिया, तो 550 का प्रोडक्ट हो गया था, है ना, प्राइस बढ़ गई थी 50 रुपए से, मार्केट प्राइस बढ़ गई. लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोज करिए कि ये कोई बैकवर्ड रीजन है और गवर्नमेंट 10 रुपए सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही, 10 रुपए का सपोर्ट दे रही है, तो ये 10 रुपए से क्या होगा? मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, तो 550 के बजाय 540 हो जाएगी, है ना. तो आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्राइस बढ़ा देते हैं और सब्सिडी से प्राइस कम हो जाता है. लेकिन इसका इफेक्ट भी तो हमको दिखाना होगा. जब हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सब सेम होते हैं, क्योंकि वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स होता ही नहीं है, सब्सिडी होता ही नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है टैक्स या सब्सिडी देने के लिए या लेने के लिए. लेकिन जब गवर्नमेंट आ जाती है, जब गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस लेती है, सब्सिडीज देती है. तो टैक्सेस जो वो चार्ज करती है तो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, सब्सिडीज जो वो देती है तो मार्केट प्राइस
कम हो जाता है। इसीलिए हम लोगों का फिर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये दो कॉन्सेप्ट आ जाता है पिक्चर में। उसके पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, टू सेक्टर इकोनॉमी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। तो अब आप देखिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग दो तरीके से, ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है जहाँ पे गवर्नमेंट इंक्लूडेड है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दो तरीके से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, एक मार्केट प्राइस, दूसरा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब क्या है कि जब फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब व्हाट इज द अमाउंट पेड टू द फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर सर्विसेज, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट जो है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया जाए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया जाए नेट, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से, है ना, जब आप सब्सिडीज को लेस कर देते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब आप सब्सिडीज को लेस कर देते हो तो जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जैसे हमारा 50 रुपीज था, उसमें से 10 रुपीज का सब्सिडी अगर हम लोग लेस कर दें, है ना, तो कितना आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कितना आएगा 50 - 10 दैट इज 40। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। उसी तरह से मार्केट प्राइस में से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दोगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझना है कि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, लेकिन मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड है, क्योंकि मार्केट प्राइस में आप देखते हो कि टैक्स और सब्सिडी का रोल होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो पेमेंट हो रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लेकिन उसी में अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट डाल दो तो वो मार्केट प्राइस में बदल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट प्राइस है ये फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करने से हम लोग पहुंच जाएंगे मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट में, और मार्केट प्राइस से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देंगे तो आप आ जाएंगे फैक्टर कॉस्ट पे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी जो है, जो कि हमारा 50 रुपीज था हमारे एग्जाम्पल में, माइनस सब्सिडी, सब्सिडी हम लोगों ने 10 रुपीज ली थी, तो अगर आप जो इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट है उसमें से सब्सिडी का अमाउंट माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको आप बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट मतलब आफ्टर रिमूविंग सब्सिडी। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको अगर आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो इससे आपका मार्केट प्राइस का वैल्यू आ जाएगा। अब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो डोमेस्टिक इनकम है, वो हमेशा आप थ्री सेक्टर इकोनॉमी में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से लेते हो। ठीक है, जब आप सम्स करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे नेशनल इनकम का, तो ये चीजें आपके काम में बार बार आएंगी, उससे आपका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको थोड़ा सा नया है कि कॉन्सेप्ट, और क्योंकि आप लोग टैक्स वगैरह भी पढ़े नहीं हो तो आपको इस तरह से समझ में बहुत ज्यादा नहीं आएगा, अभी आपको सिर्फ थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें समझनी होगी। ठीक है, एज सून एज वी विल गेट इन टू न्यूमेरिकल्स यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। ठीक है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट फिर क्लियर होगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है और सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के आने से ही होती है। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, फायदा जो सपोर्ट देती है। ठीक है, तो सपोर्ट मिलने से क्या है, मार्केट प्राइस कम हो जाता है, और जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू होते हैं तो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप जब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लिया था ना, अभी कि ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो नेट आ जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मार्केट प्राइस, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे, है ना, तो जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मार्केट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, सो वी आर स्टॉपिंग हियर, दिस सेशन इज ओवर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस एरिया, फ्रॉम दिस portion of the chapter that we have covered today, you can ask me, okay, solve the questions given in the book and also do the assignments and then clarify your doubts in the doubt session, okay, thank you class.